हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी पेन टेस्टिंग। आई एम सौरभ कुमार। आज की वीडियो में हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लो हैंगिंग फ्रूट सीरीज में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज के ऊपर, लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर। और पहला एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होते हैं, इनको क्यों रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आपको ये बग बाउंटी में अच्छा करने में हेल्प करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं और यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस पर काफ़ी अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं जो उनको बहुत हेल्प कर रहा है ये सीरीज। तो आई होप आप लोगों को ये हेल्प कर रहा हो। आज की वीडियो में हम लोग सेशन मैनेजमेंट वल्नरेबिलिटी का सेकेंड पार्ट ये बनाने वाले हैं। एक पार्ट मैंने अपलोड किया है, फर्स्ट वन, तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक एक्सटेंशन का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है कुकी एडिटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुकी एडिटर एक्सटेंशन को आपको आपके क्रोम या फिर आप फायरफॉक्स जो भी यूज करें उसमें इंस्टॉल कर लेना है। एक्सटेंशन सिंपली इसको यहाँ पर इंस्टॉल करके, ऐड एक्सटेंशन करके, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऐड टू क्रोम या ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा उसका इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने टारगेट वेबसाइट पर चले जाना है। लेट्स सपोज कोडिंग गेम पे मैं चले जाता हूँ और यहाँ पर हमें लॉगिन कर लेना है, क्योंकि लॉगिन करने के बाद का ही कुकीज पे हम लोग काम करने वाले हैं। ये कैप्चा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, और हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपना कुकी एडिटर खोल लेना है। यहाँ पर जो कुकी एडिटर आ रहा है ये हमारे कुकीज हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट टू जेसन फॉर्मेट में कर लो, कोई फॉर्मेट कर लो। उसके बाद हमें इसको नोट पैड में तब तक पेस्ट करके रख लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट कर लेना है। अब होना क्या चाहिए, अगर वेबसाइट सिक्योर हो या फिर इस पर यह वल्नरेबिलिटी ना हो, तो अब वो कि ये जो हमारा ये सेशन है इसको एक्सपायर कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉग आउट कर चुके हैं। लेकिन क्या वो अगर मैं इस कुकी को दोबारा से इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ, इसको मैं दोबारा से इंपोर्ट करूँ और इसको रीलोड करूँ सर, अभी हम लोग लॉगिन नहीं हुए हैं तो यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते तो इसका मतलब था जो वो कुकी को एक्सपायर नहीं कर रहा है, सेशन आईडीज को एक्सपायर नहीं कर रहा है, जो कि एक वल्नरेबिलिटी है। और बहुत लोग कमेंट करेंगे ये छोटी वल्नरेबिलिटी है, लेकिन हम लोग नॉलेज के लिए सीख रहे हैं। और ये वल्नरेबिलिटी कई बार बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकती है। लाइक एक कंपनी है, जीरा नाम की कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसका पेरेंट कंपनी का नाम एग्जैक्ट में भूल रहा हूँ। उस पर क्या हुआ था, उसका डेटा ब्रीच हुआ था। डेटा ब्रीच में उनके पासवर्ड्स न लिख हो के सेशन आईडीज और कुकीज लिखे हुए थे। उस सेशन आईडी एंड कुकी को हैकर्स इम्पोर्ट कर करके बहुत कंपनीज का नुकसान, बहुत हैवी नुकसान करा है। कि छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज बहुत समय इम्पैक्टफुल हो सकती है। और वेब थ्री की बात करो, अगर वेब थ्री के प्रोग्राम पे ऐसी ऐसी वल्नरेबिलिटीज आप रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल साइट्स पर रिपोर्ट करते हैं, तो ये आपको बाउंटीज मिलने के बहुत ही हायर प्रोबेबिलिटी रहती है। अब डिपेंड करता है जो कंपनी टू कंपनी उनका क्या फंक्शनैलिटीज है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपकी बाउंटी। तो अकॉर्डिंगली आप वल्नरेबिलिटीज को भी रिपोर्ट करें। बाकी आप बीएपीटी के दौरान अगर आप किसी कंपनी में जॉब करें तो आपको जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। और आपको हर एक, मैं रिकमेंड करूँगा आप हर एक कंपनी को रिपोर्ट करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको तो और मेथोडोलॉजी बनाने के लिए, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इस सीरीज को अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको मुझे मेरे बताने का तरीका, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी हो सकता है हेल्प करें। तब तक के लिए गुड बाय।